आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक ऐसे स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाला हूँ गाइस, जिसमें आपको 8GB की रैम मिल जाती है केवल और केवल 15,000 रुपए की प्राइस में। तो मैं आपसे बात करने वाला हूँ Redmi 10 पावर स्मार्टफोन के बारे में, जो कि गाइस इंडियन मार्केट में लॉन्च हो गया है। इस स्मार्टफोन की प्राइस गाइस मुझे काफी ज्यादा सही लगी इन स्पेसिफिकेशंस के साथ में। इसी स्मार्टफोन के सारे स्पेसिफिकेशंस बताने वाला हूँ, फीचर बताने वाला हूँ, और इसको आप कहाँ से परचेज कर पाओगे और इससे भी कम प्राइस में आप इसको कहाँ से परचेज कर पाओगे, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल मेहर, चलिए चलते हैं Redmi 10 पावर स्मार्टफोन के। पहले तो मैं आपको स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ, बाद में मैं आपको बता दूंगा इसको आप और भी कम प्राइस में कहाँ से परचेस कर पाओगे। तो अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डिस्प्ले की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको 6.71 इंचेस की HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिल जाती है, जिसमें आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, 400 निट्स की इसमें आपको ब्राइटनेस मिल जाती है, और इसमें आपको कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं इसके कैमरास की बात करूं तो गाइस इसमें आपको मिल जाता है 50 मेगापिक्सल का डुअल रेयर कैमरा सेटअप, जिसमें आपको 50 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी कैमरा मिलेगा और इसमें आपको 2 मेगापिक्सल के डेप्थ सेंसर मिल जाता है। फ्रंट कैमरे की अगर बात की जाए वो थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंटेड मिलेगा, इसमें आपको केवल 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा, कम से कम इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलना था, इस चीज से मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूं। इसके आप रेयर कैमरे से 1080p में 30fps के साथ में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। बैटरी की बात की जाए तो वो भी इसमें आपको काफी ज्यादा पावरफुल मिल जाती है, इसमें आपको मिलती है 6000mAh की बैटरी जो कि 10W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। इसमें आपको रेयर में फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, और अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस की बात करूं तो गाइस इसमें आपको परफॉर्मेंस के लिए प्रोसेसर मिल जाता है ऑक्टा कोर का, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 का इसमें आपको प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी वाला प्रोसेसर है। 2.4GHz की इसमें आपको क्लॉक स्पीड देखने को मिलती है, एंड्रॉइड 11 मिल जाएगा, MIUI 13 मिलेगा, LPDDR4X की इसमें आपको रैम मिल जाती है, UFS 2.2 की इसमें आपको स्टोरेज देखने को मिलेगी। इसमें गाइस वैसे तो आपको 8GB की रैम मिलती है, इसमें आपको 3GB की वर्चुअल रैम मिल जाती है, तो टोटल इसमें आपको 11GB की डायनेमिक रैम देखने को मिलती है, जिसके साथ आपको 128GB की स्टोरेज मिल जाएगी। तो गाइस आपको परफॉर्मेंस तो सही मिल जाती है, इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से इतनी रैम में आपको कोई भी स्मार्टफोन नहीं मिलेगा। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि आप इस स्मार्टफोन को कहां से परचेज कर पाओगे। तो गाइस MI इंडिया की साइट पर ये स्मार्टफोन लिस्ट हो चुका है, जिसमें इसकी प्राइस 14,999 रुपए रखी गई है MI इंडिया की तरफ से, जिसमें आपको 8GB रैम, 128GB की स्टोरेज मिलती है, 3GB की इसमें आपको वर्चुअल रैम मिल जाती है। ये पहला ऐसा स्मार्टफोन है जो इतनी कम प्राइस के साथ आने वाला है। और अगर मैं इसकी सेल की बात करूं तो MI इंडिया की तरफ से कोई भी डिटेल नहीं आई कि इस स्मार्टफोन की सेल कब से स्टार्ट होगी, जो भी डिटेल रहेगी मैं आपको दे दूंगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस, वैसे आपको जल्दी से जल्दी स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है।